આયર કોપી જો દેવ જાતી છે પહેલા લાલાભાઈ બિગ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ પહેલા તો થેન્ક યુ સત્સ્વામી આજ અમારા ઘરે સવારે પધરાણી માં આવ્યા હતા પધરાણી વાહ 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 होश में ही अभी आए हैं डैडी के साथ बात करने का बेटा थोड़ी देर अभी दूर जाओ डिस्टर्ब हो रहा है ओके जी वराछा के रोड से आपका हार्दिक स्वागत है वेलकम टू द न्यू ब्लॉग बहुत बढ़िया मात्रा में सुबह निकल चुके हैं जाने के लिए हॉस्पिटल अभी क्यों जा रहे हो वहां जाके पता चलेगा थोड़ी ही देर में आप लोगों को एक बहुत बढ़िया सी खुशखबरी मिलने वाली है वीडियो के पोस्टर में आपने शायद देख ही लिया होगा बट हमको रात को 12 बजे सारिका कितने बजे पहले तो गुड मॉर्निंग कितने बजे हमको मिली थी खुशखबरी वैसे मुझे तो सुबह 6:45 बजे जब मैंने स्टेटस देखा तभी मिली थी लेकिन बाद में चकू बहन का फोन आया इन डिटेल बताया था वो हम वहाँ पे जाके उनसे ही बात करके पूछ लेंगे क्या है कि ही है कि शी है वो वहाँ जाके पता चलेगा पर हार्दिक भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं हार्दिक भाई लालजी भाई का खुशखबरी आने के लिए लालजी भाई को कांग्रेचुलेशंस बोल दिया सुबह सुबह अभी हम लोग स्पेशली उनको वहाँ जाके बोलेंगे और हमारी तरफ से हम जो एक स्पेशल गिफ्ट देने वाले हैं वो भी आपको हम बताएंगे कि हम क्या गिफ्ट दे रहे हैं उनको लाइफ टाइम के लिए जो मेमोरी रहती है ना वो देने वाले वो वहाँ जाके पता चलेगा आपको तो बने रहिए एंड तक देखिए वीडियो और लाइक करना शेयर करना कमेंट करके सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर डालने का हमारे घर पे खुशखबरी आई है लाला भाई के घर पे एक्चुअली में बहुत बड़ी खुशखबरी आई है तो जी हार्दिक भाई और हमारी अभी कसरत हो रही है क्योंकि लिफ्ट में जगह नहीं थी तो 4 माल तक हम लोग दादरे चढ़ने वाले हैं बहुत बढ़िया मात्रा में ये अभी हम लोग हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आप लोग बने रहिए आप लोग को मज़ा आएगा एकदम क्लीन है दादरे और वादरे और सब और हाँ फूलने लग गया है તમારે લાલા ભાઈ તો સબ કોંગ્રેચ્યુલેશન કર ડાલો બહુ બઢિયા માત્રા મેં કોમેન્ટ માં બોલ દેના મેરે તરફ સે થેન્ક યુ હા મેં બોલ દુંગા સબકો અભી થોડે બિઝી રહેંગે બટ બહુ બઢિયા બહુ બઢિયા બહુ આયો આઈ બદલ તમારા ખૂબ ખૂબ આભાર અરે તને યાર તું યાર યાર હમકો ખુશી હે I was never the one to write up a song for just anyone I was always the one to find myself lost in all conversations હવે ગેટ મે દિયા આખો આખો લાલા આખો હવે તમારા મેનેજર હાલે બદલ હવે તમારા ડાયપર બદલવાના રાતની હું ભરા ધંધા કર થઈ જવાના આખો 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 મોટા મમ્મી બન ગઈ હું અભી ઓર લાલાભાઈ કાલ રાત 12 બજે બોન હુઆ ના કિતના બજે હુઆ 10:50 11:50 મતલબ ઓલમોસ્ટ 12 તો આપકા ફીલિંગ કેસા આ રહા હતા દ્રુસ્ત તો દ્રુસ્ત नहीं आपको क्या आप महसूस क्या कर रहे थे बेबी कैसा आएगा कौन आएगा गर्ल आएगी बॉय मेरे को मालूम ही था कौन आएगा ये हम क्या बात है पढ़कर बाज गया था इसको है सरस लो तो क्या आया है वो तो बताओ अभी तक बताया ही नहीं है क्या आया है लाला नंबर 2 छोटे लाला है और राशि भी बता दो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स कमेंट करेंगे नाम कन्या राशि इसको इंग्लिश में कौन सी राशि बोलते हैं कन्या को कन्या लेडीज राशि गर्ल राशि न तो पर ले तुम इंग्लिश में कन्या गर्ल लो तो बेचारा कन्या नो आवे गुजराती में कया कया शब्द आवे
पठाना तो पठाना से आप कोई भी नाम अच्छा वाला सजेस्ट कर सकते हो जो लाला भाई को बहुत ही अच्छा लगे। तो मैं इंग्लिश में को भी अच्छा लगना चाहिए, आरती को भी अच्छा लगे वैसा। तो आप प्लीज अच्छा अच्छा नाम कमेंट करना, कॉमन वाला नहीं करना, क्योंकि हमारे वैसे हमने पम से पप्पू तो मैंने रख दिया है अभी फिलहाल थोड़े दिन के लिए। क्या बोलना चाहते हो आप? थोड़े मेरा मूडलेस मूड कर दिया, मूडलेस कर दिया। नहीं पप्पू नहीं है वैसे, क्या है लाला भाई और पप्पू भाई के दोनों के दो दो नाम है। इस बार हमने नक्की किया है कि दोनों का दो नाम नहीं रखना है, जो भी रखे 5-6 दिन में रख देना, बाद में मैं तो पप्पू ही बुलाऊंगी। काय वंतन थोड़ा पैसो बराबर छे, एवू ने अत्यार कोई पण नाम राखी शके, हूं एक पप्पू पप्पू करीश तो बधा पप्पू। એમ નહી તો ફઈ કબ આ રહે છે છોકરી છે લે ફઈ 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 નામ ક્યાં રાખના છે ક્યાં તો એમ નહી તણ ફઈ છે હા તા તું તણ ફઈ છે હવથી મોટા ભાઈ કાલ ના આયા છે ઓકે તો ચકુબેન એક પગે ચકુબેન ક્યાં નામ રાખના હે દોઢ પગે તો ગોતવું પડશે નામ તો હજી ગાત ગોતના પડેગા ઓકે આપકો કોઈ પસંદ હે નામ આતી તુમે કે છે તો રાશિ અભી પતન છે લે ક્યાં હે होश में ही अभी आए तो फिर सोचेंगे उसके बारे में। आदि तेरा एक्सपीरियंस पेन से निकल रही हूँ, पेनफुल भरपूर कांग्रेचुलेशन और भरपूर आशीर्वाद और भरपूर लाला भाई इंग्लिश में अरे तो ही थोड़ू थोड़ू तो आउचे एक्चुअली आरती कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल आई नो और लाला भाई गुजराती स्पीक वेरी वेल करते हैं। वैसे ऐसा ही होता है, हस्बैंड वाइफ ने एक इंग्लिश में होना चाहिए गुजराती में। अगर कहीं पे हस्बैंड जयदीप को बहुत सारा इंग्लिश आता है, मुझे गुजराती ज्यादा है, वो इंग्लिश में कम पड़े तब मैं काम आती हूँ, मैं काम आती हूँ, ऐसा होना ही चाहिए। दोनों इंग्लिश मीडियम में हो वो भी नहीं चलता गुजराती काम तुमने कॉन्ग्रेचुलेशन हो बहुत मोटो कॉन्ग्रेचुलेशन ये मामा बन गए हैं तो वो है बता दो आरती के भाई है। हाँ, मैं बोलो ना मामा है सुंदर लाल है तो चलिए इसी के साथ यहाँ का समारोह खत्म करते हैं। अभी हम लोग हमारी तरफ से बात करेंगे और बात धन्यवाद धन्यवाद। अरे हम जो तो फाइन कटी जो मेरे जा बढ़ गया है थोड़ा अभी तुम्हारे हुका है जाने जो ओके थोड़ा दिवस चुका है बाद में बढ़ेगा। ओह माय गॉड क्या के दुख थी फूफाजी पहला आ रही है फूफाजी पहला दुख थी क्या के आवे आवे फूफाजी छेला आया पहला फूफाजी बता करता छेला आया सवारे पधराणी માં આવ્યા હતા પધરામણી यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया क्या बात है क्या बात है क्या बात है ખાવામાં લાલા ભાઈ તમારે જેવો છે મોટો જ નથી ખોલતો તમે મને નાનો હતો તો તમે ક્યાં હતા તમે મને એ છો આવત ખબર પડે ને તમે મને હા તમે અમારા ગામની ભાણકી છો તો તમે હો તો અમારી હારવે રહ્યા છો તમે ક્યારનું મોડેલ છો તમે અમારા ઘરે આવો ને તમે કેટલી વાર જમવાન કે તો તમે નથ રહેતા એટલે કહું લાલા ભાઈ આઈ એમ કે ડેડી ડેડી મન પીલાવ તમને लाला भाई ये क्या लाए हो एक्सोडिशन वीजा एक्सोडिका है नहीं ये ना रेवा दे ये क्या है केसर पिस्ता रोल छे हां मुझे खबर है नाना लोगन गाड़ी ने खोली ना टायर आवे ने ठाकरसी आवजे बेटा ठाकरसी आवजे बेटा ठाकरसी की तो ठाकरसी नत गई हूं रिजेक्ट जाने ठाकरसी नहीं अच्छा छोटे लालू ना ना जाने ठाकरसी धवल भाई आवजो भाई नते मारे कुमार लागे आपड़े कुमार कुमार પહેલેથી કુમાર છાયલો આવે છે તેનો કુમાર હોય અરે એવું ને ઓલું જન્મ તારીખ નો ડાકલો સ્કૂલ સર્ટિફિકેટ બધે કુમાર જ છાયલો આવે અમે તમારી વખત ના જ છીએ જયદીપ કુમાર જ છે અમે બધે કુમાર નથી ખાલી હારવેલ માં જ કુમાર છે હાલો આવજો ભાઈ ભાઈ આવજો ઠાકરસી બેટા આવજો હું આવું છું ભાઈ થેન્ક યુ ભાઈ થેન્ક યુ રામ રામ જય શ્રી રામ જય શ્રી રામ જય શ્રી રામ તો જી શામ કે બજ ચુકે હે 4:30 ઓર હમ લોગ પહોંચ ચુકે હે ઘર પે હેઝુ આ ચુકી હે સ્કૂલ સે ગુડ ઇવનિંગ હેઝુ ગુડ ઇવનિંગ આજ સ્કૂલ પે ક્યા કિયા બેટા એડિશન કિયા એડિશન
व्हाट एडिशन? जो मेन साइड वर्ड्स बोलते हैं ना वो हमको लिखना है। कहाँ पे लिखना? बुक में। कौन सी बुक में? नहीं पता। साइड वर्ड्स क्या होते हैं? साइड वर्ड्स, साइड वर्ड्स में ऐसा नहीं बोलना है, र ए ड, र ए ड नहीं बोलना है। तो क्या बोलना है? आर ए डी, रेड। अच्छा, ऐसा बोलना है तो उसको साइड वर्ड्स बोलते हैं। अच्छा, अभी मेरे को खाने दो ना। तेरे को क्या खाना है? पुडलू खाना है? हाँ। उसके साथ क्या करना है? डैडी के साथ बात करने का बेटा थोड़ी देर। अभी दूर जाओ, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ। ओके। और केजीएफ टीवी टाइम है, बोलिए। टीवी टाइम क्या प्लान है अभी आपका, बताइए। अभी वो मम्मी को शादी में जाना है तो मैं रख के आता हूँ, उसके बाद हम लोगों को जाने का है शाम को। ओके चलिए, तो मम्मी जा रहे शादी पे, अभी पता नहीं कहाँ जा रहे, अपडेट लेंगे। मम्मी रेडी हो रही। गुड इवनिंग मम्मी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज तो तू दिखी ही नहीं पूरे दिन यार। तुम कहाँ पे? घर पे था। हम बिजी था। हाँ बिजी था इसीलिए नहीं देखा। हाँ, ये साड़ी का कलर बहुत बढ़िया लग रहा है। इसको क्या बोलते हैं? अजरक। अजरक प्रिंट। अजरक पहनी? अजरक, अजरक हमें तो बहुत मिक्स थी गयु से प्रिंट ब्रिंट बधी। अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज किसकी शादी में जा रहे हो आप? वो मेरा भतीजा है। हाँ, समीर बोगरा। हमें समीर बोगरा, इसका लड़का है ना। तो बोगरा परिवार से सब आएंगे। हाँ। पर मेहुल बोगरा को नहीं बुलाया होगा। क्यों नहीं बुलाया मेहुल बोगरा हमारे परिवार वाला नहीं है ना। अच्छा, वो तो हमारा परिवार है। ओके ओके। तो गाइज, अभी फाइनली मेरे को सारिका के साथ ऐसा अच्छा बात करने का टाइम मिला है। मेरे को भी है ना, जब कनिष का बोर्न हुआ था ना, तब के टाइम याद आ गया। ऐसे टाइम पे जब देखो, जब अभी हम लोग कैसे लाला के वहाँ पे गए, मतलब हॉस्पिटल में, तो हम जब कनिष का बोर्न हुआ था ना, हेजू का बोर्न हुआ था, कनिष का, हेजू में तो मैं नहीं था, पर कनिष में जब हुआ था, मैं इतने ज़्यादा अच्छे फोटोज और वीडियो ले नहीं पाया था। इसका बहुत बढ़िया मैंने किया, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं उस टाइम पे क्यों नहीं किया। तो ऐसा होता है, वैसे ऐसा ही होता है, जिसके घर में मैरिज होता है ना, वो इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं करते जितना दूसरे कर लेते हैं। वैसा ही होता है, क्योंकि लाला भाई आरती को वैसे मेंटली थोड़ा टेंशन भी रहता है, क्या होगा, सब कुछ अच्छे से होगा, बेबी का टेंशन ये सब वो होता है। हमें क्या था टेंशन? कुछ नहीं था ना, हम गए, मस्ती मजाक किया, फोटो खींचे, आ गए। बाद में वो लोगों को नया नया पेरेंट्स बने तो बहुत कुछ दिमाग में चढ़ता है, तो इसीलिए होता है। होता है। अभी कनिष कितना है? अभी 5-10 साल का हो जाएगा ना, तभी भी हमें गिल्ट फील होगा। हाँ। बच्चे कितने छोटे थे, हम खेल नहीं पाए, हम हमारे काम में व्यस्त, वैसा तो रहता है। परफेक्ट, यू आर राइट एक्चुअली। और चलिए गाइस, अभी थोड़ा है ना कल के वीडियो के बारे में बात करते हैं। मेरे मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं जो ऐसे थोड़े तीखे हैं। मेरे को पता नहीं चलता है कि लोग किसी की बुराई क्यों करते हैं। मैंने आज तक मैं रियली बता रहा हूँ, आज तक मैंने कभी भी किसी भी इंसान की बुराई किसी और इंसान के सामने नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सारिका से मेरी मुलाकात हुई है, मैंने कल कितने सारे क्रिएटर के साथ मुलाकात की, तो मैंने वीडियो में डाला, मेरे सारिका के साथ बैठा, मैं सारिका के साथ वीडियो डाला, तो कोई और व्यक्ति आके मेरे को ऐसा बोलता है कि ये व्यक्ति अच्छे नहीं है, ऐसा कभी नहीं करने का। ऐसा देखो, हमारा स्वभाव ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आपकी वजह से उनका खराब लगे या उनको आपकी आपका भी खराब लगे, ऐसा समझ जाओ आप, दोनों का तीनों का सबका खराब लगता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्या है, हर एक व्यक्ति में दो पॉइंट तो होते, प्लस माइनस सबके, मुझ में भी है, ऐसा नहीं है सब में प्लस ही है। तो हमारा नजरिया एक ऐसा रखो कि हम सिर्फ प्लस पॉइंट ही देख पाए। हाँ। क्योंकि हम एक भी पॉइंट नेगेटिव देखते, बाद में वो पूरा आदमी या औरत जो भी है वो पूरी ऐसी ही हमें दिखेगी। तो इससे अच्छा है जो भी अच्छा है वो ही देखो, जो अच्छा है वही देखो, और ऐसा ही करो और ऐसे ही बेहतर रह रहे हो एंजॉय करने का। और यस, कल मैंने ग्रेप्स का भाव पूछा था, बहुत सारी जगह पे बहुत सस्ती मिलती है, कई जगह पे तो 100 की 2 किलो मिलती है, कहीं पे 40 की किलो, तो अच्छी बात है, हमारे सूरत में थोड़ी महंगी है पता नहीं। यस ठीक है, गोजेस एंड गोजेस। और बात करते कल के इवेंट की, तो भाई इवेंट में ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाजपा वालों ने हमको वोट करने के लिए बुलाया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस उन लोगों ने इवेंट क्रिएटर लोगों के लिए इसीलिए रखा था कि क्रिएटर का जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ा हो रहा है गुजरात में, और साथ ही साथ उन लोगों को हमारी वजह से कितना फ़ायदा हो रहा है आउट ऑफ वर्ल्ड में, क्योंकि हम लोग गुजरात को अच्छे तरीके से बताते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, इंडिया में भी कुछ भी करते हैं, तो क्रिएटर लोग की वजह से उनको जो फ़ायदा हो रहा है वो हमको उन्होंने बताया। प्लस उन्होंने ऐसा बताया कि अभी तक गुजरात में कितनी अच्छी अच्छी हमारे लिए मतलब सुविधाएं बनाई गई है, हमारे लिए इंटरनेट प्रोड्यूस किया इतना ज़्यादा, हमारे लिए मतलब पूरे इंडिया के लिए किया है, तो इंटरनेट की वजह से हमारा वीडियो चलता है और ये है वो है। इंटरनेट के फ़ायदे भी है, नुकसान भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसको कैसे तरीके से यूज़ किया जाए, सोशल मीडिया को कैसे इन्फ्लुएंस अपने, मतलब हमको, मैं खुद को इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं मानता हूँ, बट मेरे को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया सब ने उधर, बहुत सारे लोग मिले और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हुई। पर कुछ लोग ने कमेंट बॉक्स में
किसी और के बारे में किसी और कुछ लिखा, मेरे को वो पता नहीं चला। बहुत खेचा। चलिए एनीवे, अभी आज जो भी लोग सोशल मीडिया में है ना, उसको मैं बता दूं, पॉजिटिव तो आएगी साथ ही साथ इतनी नेगेटिव आएगी, आपको मेंटली इतना स्ट्रेस होगा, लेकिन उस सब में से बाहर आओगे तो ही आप कुछ ना कुछ कर पाओगे। तो वो सब जो आए उसको इग्नोर करके आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो प्लीज़ कमेंट करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ही कर डालने का। और अभी हम लोग लाला भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना, लाला भाई से हम जल्दी ही मिलेंगे और लाला भाई का एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे कि एज ए क्या बोलते हैं फादर और मदर क्या कर रहे हैं। लाला भाई बहुत हेल्पफुल है हमारी फैमिली के लिए, जब भी मुझे दोनों बच्चों के लिए जब भी लाला भाई की जरूरत पड़ी है तो लाला भाई हाजिर ही होते हैं। तो थैंक यू सो मच लाला भाई और आरती दोनों को, और बिग कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, और कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत सारे ढेर सारा प्यार हमारे तरफ से बच्चे के लिए, लाला नंबर टू के लिए। अभी तो लाला टू है पर देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है गाइस। इसी के साथ ये वीडियो एंड कर डालते हैं। अच्छा लगा हो तो थोड़ा लाइक मारो, शेयर करो, कमेंट करके सब्सक्राइबिंग तो कर डालो। विल सी टुमारो। अभी हम लोग जाएंगे शादी में, एंजॉय करेंगे, चाका जाम मचाएंगे। बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर।